हजारीबाग प्राइवेट स्कूल संगठन की पद्मा प्रखंड इकाई ने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवस से भूख हड़ताल किया। धरना के माध्यम से कोरोना से मृत शिक्षकों के आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा देने, नौकरी देने, राशन कार्ड मुहैया कराने समेत अन्य मांगे की गई। इससे पूर्व जिला कमेटी के लोगों की उपस्थिति में संगठन के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें मतदान प्रक्रिया से 16 वोट लाकर राजन कुमार प्रखंड अध्यक्ष बने। जिला कमेटी के अध्यक्ष विनोद भगत, छोटेलाल साव, प्रभु दयाल कुशवाहा, मधुसूदन प्रसाद, अरविंद मेहता आदि लोग शामिल थे। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। सबसे पहले राजन जी, आपको पद्मा प्रखंड अध्यक्ष बनने पर बधाई। पद्मा प्रखंड बनने के बाद आप क्या कुछ करेंगे पद्मा प्रखंड के लिए? सबसे पहले पद्मा प्रखंड वासियों को शुभकामनाएं कि मुझे इस पद के लिए चुना गया। मैं काफ़ी उत्साहित हूं और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी पद्मा ब्लॉक के सारे प्राइवेट स्कूल जो किसी चीज़ से जूझ रहे हों, अपने परेशानी जूझ रहे हों, मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। हर चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि उनको जो सहयोग हो, जो उनकी कमियाँ हों, उनको दूर किया जाए। मैं इसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, ये अपने पद्मा वासियों से वादा करता हूँ। अगर मैं आपका प्रजा हूँ, आपका जनता हूँ, तो आपका ये फर्ज बनता है कि हमारे जो झारखंड राज्य है उसमें अगर हमारे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख प्राइवेट स्कूल के टीचर आज भूख मर रहे 15 महीना से, तो हम उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करें। और अगर आप जो है सो राहत पैकेज की घोषणा करने में सक्षम नहीं है, तो फिर जो स्कूल खोल दीजिए, हम लोग उससे जिंदा रहेंगे। हम लोग कहाँ जाए,